हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोल सर्वाइवर गेमिंग। और आज की वीडियो में हम आए हैं मिल्टा। मिल्टा मतलब सस्ती जगह रहती है हमारी, क्योंकि जब टीम में होता हूं मैं, क्योंकि यार ऐसी जगह पे उतरो जहां तुम्हारी स्टार्टिंग में पेटी ना बन जाए तो गेम थोड़ी सही जाती है, मतलब केडी भी बढ़ जाती है, अच्छा रहता है और प्लस में पॉइंट्स भी जाते हैं, मतलब पॉपुलैरिटी जो होता है शायद से। तो खैर यहाँ पे आए हैं और स्टार्टिंग में मैंने एक किल कर दिया था, एक ही गोली में निपटा दिया था बंदे को, और वो बॉट नहीं था, बंदा था। सीधा हेड पे मारी गोली, कौन सी थी वो, S12K की शॉटगन जो भी टाइप होती है, वो मारी और बंदा पूरा ठिल गया एकदम से। फिर उसको लूटा और UMP उठाई थी, पता नहीं क्या उठाया था। फिर डंकी गन मिली थोड़ी बहुत और गाड़ी लेके मैं यहाँ से चल पड़ते हैं। अब स्टार्टिंग में कुछ हुआ नहीं था मतलब इससे अलावा, इसके बाद हम काफ़ी देर तक लूटते रहे, मिल्टा में कोई आया ही नहीं। अब यहाँ से निकलने पे हमें एक एक ड्रॉप दिखता है पीछे की तरफ। हाँ पीछे की तरफ हमारा, मेरा टीममेट बताता है कि वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा है, जल्दी चलो। और सामने से हमारा चौथा टीममेट आ रहा है, ये वाला बंदा क्या बताऊँ, गाली देने का मन कर रहा है पर ये बहुत ही पावड़ा सा बंदा है, गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी भी। तो ऐसा सीन है, ये काफ़ी दूर है और हम जा रहे हैं ड्रॉप पे लूटने, और आजू बाजू कोई नहीं है। हम यहाँ पे आए, ड्रॉप पे उतरे, सारे लूटने लग गए। इतने में ही हम पे गोलियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, हमें पता लगता है ड्रॉप लूटा हुआ है और गोलियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये बंदा और ये गोलियाँ कौन मार रहा है हम पे, हमारा ही टीममेट। बाई वॉर्ड इसके साथ, अगर ये बगल में होता मैं नेड फेंक के मार देता इसको, मेरे पास नेड है भी नहीं फिर भी मैं मार देता, स्मोक वाला दे देता इसके मुंह में, पर मारता जरूर मैं। तो खैर यहाँ से हम चल पड़ते हैं और थोड़ी सी इसको चमका देते हैं कि भाई क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, आना है तो आ जा, खेल लें खेल ले, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर चल पड़ते हैं हम, और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम रुकते हैं कुछ घरों के पास और यहाँ पे हम उतर के थोड़ी लूटपाट करते हैं। इतने में एक नंबर आ जाता है और उसने एक किल भी कर दिया होता है हमारी नाक के नीचे से। तो यहाँ आने के बाद मैं इसको तवे से मारता हूँ कि भाई तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, और ये बंदा नेड लेके हम पे चौड़ा हो जाता है। हमें बाद में पता लगता है कि ये नेड स्मोक है इसके हाथ में, स्मोक मारा है इसने, पर मैं इसको फिर भी तवे से मारता रहता हूँ कि भाई क्यों हरकतें कर रहा था, क्या है तेरे को, खेलना नहीं है क्या ढंग से। तो हमारी थोड़ी बातचीत के बाद सुलह हो जाती है, मतलब ये बोलता तो फिर भी कुछ नहीं है, मेरे को पता है मज़े ही ले रहा था हमारे, पर खैर कोई बात नहीं, हमारी सुलह हो जाती है कि ये हरकतें नहीं करेगा, मन में ही बना लिया हमने सुलह। तो हम सारे एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ के चल पड़ते हैं आगे की तरफ और गाड़ी फुल स्पीड में भगा लेते हैं, और ये बंदा ड्राइवर हमारा यहीं पे ठोक देता है। क्या कर सकते हैं, मैप देखते हैं, मैप में आप देखें कोई जगह है डंकी, और सीधा शेल्टर के पास चलते हैं हम। तो गाड़ी भगा लेते हैं शेल्टर की तरफ और अब आगे सीन मिलेंगे तगड़े वाले, मतलब गुस्सा भी आएगा देख के और मजा आजी भी आएगी शायद से, मेरे को तो गुस्सा आ रहा था काफ़ी ज़ोर से। तो सीधा भगा ली होती है गाड़ी और सीधा शेल्टर के पास आके रोक ली होती है, और अब यहाँ पे गोलियाँ चले पड़ेंगी और मेरे को पता ही नहीं भाई कहाँ से गोलियाँ चल रही है। मैंने इनको कहा कि नीचे चलते हैं, वहाँ नीचे भी कोई हो सकता है, और जैसे ही वो बंदा नीचे जाता है गोलियाँ चल पड़ती है। मेरे को अभी तक नहीं पता लगा कहाँ से गोलियाँ कब पड़ रही थी, फिर मेरे को पता लगता है कि भाई शायद से शेल्टर के अंदर से गोलियां पेल रहे होंगे। तो भाई तुम्हारा हीरो कूद जाता सीधा शेल्टर के आगे, बंक करके आगे जो भी है, और सीधा दो बंदों को नॉकआउट, किल्ली गिरा दी मतलब सीधी, और नौ गोलियां फिर भी बच गई थी। तो खैर मैं फटाफट, मेरा टीममेट फटाफट से निपटा देता है और मैं बाहर की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा मेरे को लग रहा होता है कि इसके टीममेट्स भी आते होंगे, मैं अब लूटता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सामान होता है, तो फटाफट से लूट ली जाती है। मेरे को लगा भाई DP बढ़िया गन है DP, और ये पता नहीं स्किन चढ़ाई हुई है मैंने, क्या ही सीन बिठा रखे हैं इसने। अभी बताऊँ, अभी अभी नेक्स्ट मैच होगा ना तब दिखाऊंगा आपको, फिलहाल इसमें DP तो बेड़ा ही कर गई मेरा, मतलब मैंने खोला स्कोप ही नहीं खुल रहा इसमें, गोली मार रहा हूँ बस मैं बिना स्कोप के, एक 2-4 किलोमीटर दूर बंदा खड़ा है फिर भी मैं बिना स्कोप के गोलियाँ मार रहा हूँ। तो खैर यहाँ पे हम स्कोप एक्सचेंज करते हैं और फिर मैं दोबारा नीचे की तरफ चला जाता हूँ ये ढूंढने कि इनके टीममेट होंगे, पर पीछे से उनकी फटके चार हो जाती है मेरी टीममेट्स वालों की, गोलियाँ चल पड़ती हैं। तो मैं बाहर आता हूँ, भाई तुम्हारा हीरो है, क्योंकि देखो भाई तुम्हारा हीरो है, डरने की बात नहीं है। मैं आता हूँ और यहाँ पे किसी ने रेड डॉट छोड़ दिया, तो खैर यहाँ पे आते हैं और ये बंदा दिखता है, मैं ट्राई करता हूँ उस पर गोली मारने की, पर हमसे काम चलेगा, चलते चलते मार रहा था।
तो खैर इतने में ही मेरे को नॉक कर देने वाला बंदा है। और इसको देखो, इसको ये जो एक नंबर है ना, अभी तुमको पता लगेगा कितना ये बड़ी चिरांद है। तो खैर कोई बात नहीं, ये आया है, इसको मैंने हील भी कर दिया है। और इसका कोई कुछ नहीं है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, भगवान का कुछ नहीं डरता। ये सीधा आया, लेके चला गया हील, रिवाइवर लेके चला गया, कुछ हेल्प, कुछ थैंक यू, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब बेइज्जती मार दी मेरे मुंह पे। मैं फिर भी यार ठीक है, टीममेट है, कर देते हैं हेल्प। इतने में मेरे को गोली पड़ती है और मैं डर के मारे भाग जाता हूँ। भाई सामने स्नाइपर बैठा है, कोई कर रहा है कुछ। तो अब यहाँ पे आके मैं हील उल करता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सीन काटते हैं और आगे ले चलते हैं। और यहाँ पे बंकर के पास, जब हम बंकर के पास थे तब, मतलब शेल्टर के पास थे, तब हमारा चौथा टीममेट भी नॉकआउट हो जाता है। और मैं कहता हूँ एक नंबर को, भाई तू रिवाइव दे दे उसको, मतलब वही खड़ा था सबसे पास। और बंदा ही कुछ करके नहीं देता राजी, कुछ हेल्प नहीं करता। तो क्या करते हैं हम वहाँ से, मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बंदा काम का नहीं है, ये हेल्प नहीं करने वाला, कुछ भी करने नहीं वाला, इसको छोड़ देना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसकी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए हेल्प। तो अब यहाँ से हम निकल पड़ते हैं, फिर इस घर में आते हैं। यहाँ पे देखता हूँ कि मैं भाई गाड़ी खड़ी है, ऊपर भागता हूँ मैं इस उम्मीद के साथ, फेलूंगा मैं। और मेरे को बंदा भी दिख जाता है सामने वाले घर में, मैंने ही मार्क लगाया था वहाँ पे। और मेरे को दिखता है, मेरे हाथ में डीपी होती है, डीपी में स्कोप खुल नहीं रहते। तो जैसे ही मैं M4 उठाता हूँ, स्कोप खोलता हूँ और पेल लेता हूँ बंदे को बड़े आराम से। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा भाई हीरो है, तो यहाँ से मैं जंप मार के मैं निकलने वाला होता हूँ आगे की तरफ उन घर में। मेरे को लग रहा होता है कि मेरे टीममेट वहाँ पे हैं, पर मेरे टीममेट इधर होते हैं। और जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ, सारे ही नॉक हो जाते, मतलब मैं नॉक हो जाता हूँ। और मैं हेल्प हेल्प कर रहा होता हूँ, मतलब तड़प रहा होता, सबको ही बताया है हेल्प हेल्प करेगा। तो इधर आके रुकता हूँ मैं, और इधर भी गोलियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती हैं मेरे बगल में। तो अब मेरे को यहाँ से निकलने का बनता है यार, ऊपर कोई खड़ा था वहाँ पे। तो अब यहाँ से निकलता हूँ तो सामने से गोलियाँ पड़ती हैं, सामने से और पीछे से, और कोई हेल्प के लिए नहीं आता। दोनों मेरे टीममेट ऊपर वाले फ्लोर पे थे, पर एक नंबर नीचे था। तो मैंने कहा भाई तू आ जा हेल्प करने, रिवाइव दे दे मेरे को, पर नहीं, ये बंदा नहीं आया, मेरी पेटी बनवा दी इसकी वजह से। तो भाई अब बुरा लगता है यार, हेल्प करा करो यार।